अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपका नाम बता दें और कहाँ से आप? मेरा नाम प्रकाश रोनियार है, मैं नेपाल से हूँ। तो कितने साल यहाँ पे हो गए? मैं 7 साल से हूँ। टैक्सी ड्राइवर ही जॉब कर रहे हैं? जी 7 साल से टैक्सी चला रहा। अच्छा, तो वीज़ा किधर से? नेपाल से कितने कल मिला था? वीज़ा हम लोग का नेपाल से मेन पावर का थ्रू जाता है, तो हम लोग मेन पावर के थ्रू से आते, तो वीज़ा सब मेरा कंट्री का 2 लाख दे के आया था। उस वक्त लग गया था इतना? अच्छा, वीज़ा लेने के बाद में इधर आने के बाद क्या करना पड़ता है, लाइसेंस कैसे मिलता है आपको? वीज़ा इधर जब आओगे तो आपको लाइसेंस के लिए और गाड़ी लेने के लिए तकरीबन 6 महीना वेट करना पड़ेगा। वो प्रोसेसिंग होता है लाइसेंस का और परमिट के लिए आपको थोड़ा तालीम देता है कंपनी, तो उसके लिए आपको 6 महीने का बाद में आपको गाड़ी मिलेगा। 6 महीने का टाइम में आपको गाड़ी मिलेगा, तो आप 6 महीने पे रोड पे निकल जाओगे गाड़ी लेके। इसमें मतलब लाइसेंस के लिए अलग ट्रेनिंग करना पड़ता है और परमिट के लिए अलग करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कितना खर्चा हो जाता है, पैसा कितना लग जाता है? ये खर्चा पूरा कंपनी उठाता है, लाइसेंस का कर खर्चा पूरा कंपनी, क्योंकि हम लोग उधर पैसा दे के आते हैं ना। सही है। तो इधर कंपनी पे करता है, वो फिर बाद में सैलरी से काटता है? सैलरी से आपको थोड़ा बहुत कट करता है, 2000 कट करता है इधर का। अच्छा, तो उससे ज्यादा कट नहीं करता है। सही है। अच्छा, आप ये बता दे, जब ट्रेनिंग में रुकता है जी, तो ये इसमें सैलरी मिलता है? जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 800 दिरहम देता है महीने का, हर महीने का 800 दिरहम देगा आपको। इसमें खाना अपना करना पड़ेगा? खाना अपना करना पड़ेगा, रूम कंपनी देगा। अच्छा, तो 800 देगा, सैलरी देगा, जब तक गाड़ी नहीं है आपके पास 800 देगा। तो ये ट्रेनिंग वगैरह कैंप में ही देता है या कहीं और भी? ऑफिस में लेके जाता है, तो उसका पूरा बस रहता है लेके जाने का, लेके आने का पूरा कंपनी का बस रहता है इसके लिए। अच्छा, ये अक्सर लोग टैक्सी ड्राइवर बोलते हैं डबल शिफ्ट सिंगल शिफ्ट, ये क्या? हाँ, तो डबल शिफ्ट क्या मीनिंग क्या है, तो वो 12 घंटे का है, एक गाड़ी में 2 ड्राइवर रहता है। अच्छा, 12-12 घंटे 12-12 घंटे का, और सिंगल में एक गाड़ी में एक ही ड्राइवर रहता है, उसके पास हमेशा गाड़ी रहता है। मतलब ये नाइट एंड डे ड्यूटी का होता है हिसाब से? जी, डबल शिफ्ट का, एक ड्राइवर सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक करेगा, दूसरा ड्राइवर शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक करेगा। और सिंगल वाले के पास 24 आवर्स। तो कौन सा ड्यूटी आसान होता है? आसान शरीर के लिए तो डबल शिफ्ट आसान है शरीर। तो इसमें कम से कम सैलरी कितना आता है? डबल शिफ्ट में अगर आप काम अच्छा से करोगे तो कम से कम 3000 तकरीबन आएगा। लेकिन अगर कम से कम टारगेट मान के चलो, कम से कम मान के चले तो 1600 तक आएगा, 1600 1600 जी। ठीक है। ये नेपाल का कितना बनता है तकरीबन? नेपाल का तकरीबन 48,000 बनता है। ठीक है। ये पाकिस्तान का तकरीबन 70,000 प्लस है सब। इसमें अकोमोडेशन कंपनी की होती है? जी, अकोमोडेशन कंपनी की होती है, खाना ड्राइवर का खुद का होता है। कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए? कंट्री का लाइसेंस आपको होना चाहिए, और थोड़ा बहुत तालीम उधर भी लेके आना चाहिए, क्योंकि इधर में देखा कितना ड्राइवर लोग उधर कुछ भी ड्राइविंग में बैठा नहीं है, इधर आके फिर ड्राइविंग के लिए लाइसेंस के लिए प्रोसेसिंग करता है, तो बाद में प्रॉब्लम होता है। थोड़ा बहुत उधर मुल्क में भी गाड़ी चला के इधर आना चाहिए। तो पहला ट्राई में लाइसेंस निकाल लेता है? अच्छा से दोगे ट्रायल तो निकाल लेता है, नहीं तो दूसरा तीसरा होता है। और ये कितना मुश्किल है, आप ये जॉब कितना मुश्किल हो जाए? जॉब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें तो आपको देखो ना कोई मुदीर है ना कुछ भी है, आपका खुद का गाड़ी रहेगा, आप रोड पे निकलोगे, कोई गिर करने वाला नहीं रहेगा, बस आपको कस्टमर ढूंढना है सिर्फ। टैक्सी का जॉब बहुत अच्छा जॉब है। मतलब मुश्किलात भी होती है? मुश्किलात होती है, कोई कस्टमर कोई कैसा मिल जाता है मुश्किलात देने वाला, कोई अच्छा मिलता है, ऐसा ही दुनिया ऐसा। मिनिमम सैलरी कितनी निकल आती है महीने? मिनिमम आप रख लो, कमती में भी अगर आप थोड़ा काम करोगे, जैसे बीमार हो थोड़ा बहुत काम करोगे, तो आपको मिनिमम 1500 तो आएगा सैलरी आपको, खा पी के बचेगा 1500 आएगा, लाजिम आएगा। सही है। और इसमें छुट्टी वगैरह का क्या हिसाब है? छुट्टी वगैरह आपको कंपनी छुट्टी देता है, महीने का छुट्टी है तो 2 छुट्टी मिलता है महीने का। सही, 2 छुट्टी मिलता है, तो आप 2 छुट्टी कर सकते हो। अच्छा, ये बता दे भाई, ये वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? ये वीज़े के लिए आपको सबसे आसान तरीका है, ये टैक्सी का जो है ना, तो आप दूसरे बंदे से फंसिएगा मत, ये ट्रैवल एजेंसी के थ्रू से आइए, ट्रैवल एजेंसी से पूरा मालूमात करके कर ले कौन सा टैक्सी है, किधर जाना है, अबू धाबी जाना है, अलेन जाना है, दुबई जाना है, किधर जाना है, तो वो पूरा मालूमात कर लीजिए टैक्सी का, वो ट्रैवल एजेंसी का थ्रू से होता है सब चीज़, तो आप उधर जाके पूरा मालूमात कर ली और इधर आ जाए। 7 साल से आपने बोला यहाँ पे है, तो आप ये भी बता दो कि टैक्सी जॉब में जो लोग आना चाहे उसके लिए कौन सा ये स्टेट अच्छा रहेगा, दुबई अच्छा रहेगा, अबू धाबी अच्छा रहेगा, शारजा अच्छा रहेगा? आपको दुबई
अच्छा रहे, दुबई में थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड है तो आपको उधर अच्छा मिलता है, मगर उससे अच्छा आप अबू धाबी में आ जाओ, फिट रहने के लिए तो अबू धाबी सही रहेगा आपके। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ आपका इस इन्फॉर्मेशन से जो लोग मुल्क में हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इससे। तो आप ये भी बता दो जो लोग यहाँ पे दुबई में हैं ये आने में इंटरेस्टेड है उनको आना चाहिए या नहीं? जी लाजिम आना चाहिए, घर में बैठ के क्या करेंगे, इधर आओगे दुनिया देखोगे थोड़ा बहुत पैसा बनाओगे, मुल्क में बैठ के क्या करोगे, वैसे टाइम पास नहीं कर सकते हो ना। चले सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। चलिए सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।